जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आप सभी ने SSC GD के फॉर्म भर दिए होंगे, किसी ने नहीं भरे होंगे, कोई दिक्कत आ रही थी, नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाली दिक्कत आई थी, वो सॉल्व हो चुकी है। तो अपने फॉर्म जरूर भर दीजिए अब, क्योंकि लास्ट में ये होता है ना कि मतलब पैसे नहीं कटते, कभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता, साइट नहीं चलती। तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है फॉर्म भरने में। लेकिन कभी भी ऐसा भी करिए कि फॉर्म जब शुरू होते हैं ना, ऑनलाइन फॉर्म शुरू होते हैं, तो तुरंत जरूर नहीं भरिए, मतलब तुरंत नहीं भरिए उसको। क्यों? क्योंकि कभी कभी दिक्कत आ जाती है, आपका फॉर्म गलत भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में उन्होंने करेक्शन डेट भी अब देना शुरू कर दिया है। हर फॉर्म के बाद जब आपकी लास्ट डेट हो जाएगी, उसके 2-4 दिन बाद करेक्शन डेट आ जाती है। जैसे SSC GD की करेक्शन डेट क्या है, SSC GD की करेक्शन डेट 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच में है। आपका कोई भी कुछ नाम में कुछ भी गलत हो जाए तो फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं उतने 2 दिन के अंदर, ठीक है? तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा कि क्या लिखा है, सीधी सीधी बात है कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी, इसके बारे में बताएंगे। देखो, जैसे जिस भर्ती में हम लोग हुए थे, आप लोगों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, 2021 वाली भर्ती में हम सिलेक्ट हुए थे SSF में है वर्तमान में। तो उसमें वैकेंसी आई थी 25,000 कुछ ही वैकेंसी, यानी अब की बार से वैकेंसी कम आई थी। तो अब की बार से वैकेंसी कम आई थी तब भी उधर वैकेंसी नहीं बढ़ी थी, यानी 25,000 की वैकेंसी 25,000। लेकिन उसके बाद वाली भर्ती, मतलब कि आपसे जो भर्ती है इससे पहले वाली भर्ती समझे, तो इसमें पहले 22-23 इतने ही हज़ार वैकेंसी, 24,000 वैकेंसी आई थी पहले। फिर उन्होंने फिर दोबारा वैकेंसी बढ़ाई, 45,000 की समथिंग हो गई, 40,000 की समथिंग। फिर वैकेंसी बढ़ाई तो 50,000 की समथिंग हो गई, एक्यूरेट नहीं पता मुझे, लेकिन ये पता है कि इतनी बार वैकेंसी बढ़ी थी कि इतने हज़ार इतने नहीं, तो 50,000 वैकेंसी हो गई। तो कितनी बार वैकेंसी बढ़ी? 2 बार वैकेंसी बढ़ाई गई। तो वैकेंसी का ये जरूर ध्यान रखिए, वैकेंसी तब बढ़ती है जब डिपार्टमेंट को और ज़रूरत लगे। डिपार्टमेंट SSC को नहीं, जैसे जो भी SSC भर्ती करा रही है, अब SSC GD के अंदर कौन कौन सी भर्ती करा रही, जैसे CISF, CRPF, असम राइफल्स, BSF, ITBP और ये SSB और SSF, ये डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, इन्होंने पद दिए कि आप इतने पदों पर भर्ती निकालिए, हमें इतने पद चाहिए, इतने पद भरने हैं, हमें इन पद पर भर्ती चाहिए चाहिए, इतने बच्चे हमें चाहिए। इन्होंने SSC को भर्ती दी, ठीक है? अब इन्होंने SSC ने इतना नोटिफिकेशन निकाल दिया, लेकिन अगर इन डिपार्टमेंट को लगे कि हमें और पद चाहिए, हमारे और पद खाली हो रहे हैं, तो वो और भी SSC को दे सकते हैं कि इतने पद पर और साथ में इसी में भर्ती करा दीजिए। तो पद जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी जुड़ सकते, बढ़ भी सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, वो आगे डिपेंड करेगा। अब चीज़ ये तो होगी कि पद बढ़ भी सकते हैं नहीं बढ़ सकते। पिछली भर्ती में, हमारी भर्ती में हुआ था, पद बढ़े ही नहीं, और उसके बाद वाली भर्ती में 2-2 बार पद बढ़ गए थे। और जिस भर्ती की बात करें ना, जब हमारी भर्ती थी ना, हमारे समय की भर्ती जिसमें हम सिलेक्ट हुए हैं, उसमें कम पद होने के बाद भी कम मेरिट रही थी। और पिछली बार इतने 50,000 पद होने, दुगने पद थे, दुगने पद होने के बाद भी मेरिट इतनी हाई गई। क्यों? क्योंकि उस बार ना तो एज रिलैक्सेशन था, पेपर थोड़ा हार्ड था, कम नॉर्मलाइजेशन था। लेकिन पिछली बार क्या था, पेपर थोड़ा सरल था, नॉर्मलाइजेशन भी बहुत सारा मिला था, 15-15-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और दूसरी 3 साल का एज रिलैक्सेशन, जैसे जनरल वाला कितना होता है, 18-23 साल के लिए फॉर्म भर सकता है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मतलब वो 26 साल का व्यक्ति भी जनरल में काउंट होता है तो वो भर सकता है। OBC का 26-23 मतलब कि पहले से 3 साल मिलता ही था, 3 साल और मिल गया, मतलब कि 29 साल तक भर सकता था। SC ST वाला 5 साल के लिए पहले रिलैक्सेशन मिलता था, 3 साल और मिल गया उसको, 5×3=8 यानी 23-8 कितने हो गए, 31 साल वाला भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। इसकी वजह से मेरिट ज़्यादा हाई चली गई। इस बार भर्ती में आपने देखा होगा कई सारे व्यक्तियों की एज भी इतनी ज़्यादा लगती है कि वो तो भाई बहुत एजेड होंगे, तो वो इस एज रिलैक्सेशन के कारण ही मतलब कि मेरिट ज़्यादा नहीं है। अब इस बात करें तो इस बार दो भाई ये रिलैक्सेशन नहीं है, तो कंपटीशन थोड़ा कम होगा पिछली बार की अपेक्षा, वैकेंसी भली कम है। अगर आप ये सोचते रहेंगे वैकेंसी कम है, अगली बार देखेंगे, तो भाई कभी सिलेक्शन आप नहीं ले सकते। आपको एक सीट पक्की करनी है कि हमें एक चीज़ पक्की करनी है कि इसमें एक सीट लेनी ही लेनी है, जरूर ध्यान रखिए आप। SSC GD में इस बार हमें सीट लेनी है, अगली बार का इंतजार नहीं करना है कि अगली साल आ रही हैं उसमें देख लेंगे, नहीं, इसमें चाहिए ही चाहिए है। इसमें जब आप प्रॉपर ले लेंगे कि हमें मतलब प्रॉपर सोच लेंगे हमें लेना ही है एक सीट, तभी आप रिजल्ट क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते आप, ये जरूर ध्यान रखिए। अब ये सोचेंगे कि वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो फिर आपका सोचते ही रहेंगे, सोचना आपका कोई उद्देश्य नहीं, आपको पढ़ना है सीधा, करना है हमें निकालना है, टारगेट करो कि हमें इतने नंबर चाहिए चाहिए, तभी होगा आपका, ये जरूर ध्यान रखिए।
और ये मत सोचिए कि वैकेंसी बढ़े या ना बढ़े, बढ़ जाए तो ठीक, नहीं बढ़े तो भी ठीक, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारी एक सीट पक्की है अच्छी तैयारी कर ली तो, ये जरूर ध्यान रखें ठीक है। और अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें, पढ़ाई में भी आप मॉक टेस्ट लगाते रहें, मॉक टेस्ट वगैरह आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाए ना तभी आपका क्या क्या दो मॉक टेस्ट के क्या क्या फायदे होते हैं, दो तीन चीज बता दो। मॉक टेस्ट का एक फायदा सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, कि आप कम समय में अधिक क्वेश्चन हल करना सीख जाए, टाइम को मैनेज करने लगें, कि हम 80 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। घर पर आप 80 क्वेश्चन 40 मिनट में कर पा रहे हैं ना, तब आपका बेस्ट माना जाएगा टाइम मैनेजमेंट, जरूर ध्यान रखिए। मैं जब सेट पेपर लगाता था, मॉक टेस्ट लगाता था, तो मेरी हाईएस्ट टाइम यानी जब 100 क्वेश्चन आते थे, उस टाइम आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता बता दूँ, 100 क्वेश्चन आते थे, 90 मिनट का टाइम मिलता था, 100 ही नंबर के रहते थे, 1/4 की माइनस मार्किंग रहती थी, तो मेरा हाईएस्ट टाइमिंग है जो 100 क्वेश्चन मैंने 26 मिनट में हल किए हैं, 100 क्वेश्चन मैंने 26 मिनट में हल किए हैं, हाईएस्ट टाइमिंग है। और एग्जाम में मैंने 40 मिनट में हल की ली थी 100 क्वेश्चन। मैं बैठा रहा था, बगल वाले से कहा था भाई बता दें, तो उसने भाई माना नहीं था, लेकिन अब भाई सबकी अलग अलग होती है, सब मैं भी सोचूंगा दूसरा व्यक्ति मुझे बताएगा तो गलत बताने की चाह होगा, ये सोचते हैं। तो आप भी टाइम मैनेजमेंट कीजिए, टाइम मैनेजमेंट ऐसा करिए कि आप एग्जाम में खाली बैठ जाएं पेपर हल करने के बाद, तो जितना भी टाइम बचेगा आप दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए, जब टाइम बचता है ना आप माइंड फ्री होते तब क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहे हो तो वो क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ना जब प्रेशर होगा आपके माइंड पे तो क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।